Yeah, good afternoon, friends. Today we will speak about difference between data and information. नमस्कार दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच क्या अंतर होता है. फ्रेंड्स, इन माई लास्ट वीडियो आई टोल्ड अबाउट डेटा. सो फर्स्ट वी विल स्पीक व्हाट इज डेटा. डेटा इज ए रॉ मटेरियल. डेटा इज ए रॉ मटेरियल सच एज इन द मीन्स ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. डेटा इज ए रॉ मटेरियल इन द मीन्स सच एज अल्फाबेट ABCD और डेटा माइट बी ए कलेक्टिव इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन लाइक द नेम ऑफ द पर्सन, द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन, लाइक दिस, दीज ऑल वी कॉल डेटा, राइट. सो द डेफिनेशन ऑफ डेटा इज क्लियर. नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा, मीन्स व्हेन वी प्रोसेस ए डेटा इट कम्स आउट इंफॉर्मेशन, इट फॉर्म एन इंफॉर्मेशन सच एज. व्हाट इज डेटा. डेटा इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स. फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, फॉर एन एग्जाम्पल, वी टेक आधार कार्ड. इन आधार कार्ड ओनली डेट ऑफ बर्थ, पर्सन नेम, पर्सन एड्रेस शोन. दीज ऑल आर डेटा. बट व्हेन दीज डेटा प्रोसेस्ड इट कम्स इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मीन्स आधार कार्ड, आधार. सो राइट क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली डेटा एंड इंफॉर्मेशन डिफरेंस. दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया है कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है. डाटा उसे कहते हैं जैसे कि हम नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, या ABCDEFG. दीज ऑल आर डेटा. यह सभी डाटा हैं. जब हम इन सभी को मिलाकर प्रोसेस करते हैं तब एक इंफॉर्मेशन बनती है. इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं. उदाहरण के तौर पर, जैसे आधार कार्ड में हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, हमारा नेम लिखा होता है, हमारा एड्रेस लिखा होता है. यह सभी डेटा हैं. लेकिन जब इन सब चीज़ों को मिलाकर के प्रोसेस किया जाता है तो हमारा आधार कार्ड बनता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. सो आज दोस्तों मैंने वेरी क्लियरली, बहुत क्लियर तरीके से यह बताया है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है. जानकारी को आगे के लिए कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को भी दबाएं, ताकि फर्दर जो वीडियो अपलोड होते हैं उनके अलर्ट आप तक पहुंचते रहें. किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, पूछें. थैंक यू, धन्यवाद.